चले जी, मैंने आज किचन में देखे जी दाने पाए राबिया, तू ना मशीन लगा ले तो मैं भी उठी आ रही हूँ, ठीक है? अच्छा। दिखा मुझे क्या खा रहे हो, दिखा मुझे जरा, ये कुछ खाने वाली है इसमें चीज बताओ मुझे जरा। मजे की है। कब बड़े हो गए बता दो मुझे, कब बड़े हो गए? पता नहीं, बस खाना बन रहा है ना। क्यों मसला क्या पाए को? पाए नहीं खाने में, फीके लगते हैं मुझे। तो मैं मिर्चें थोड़ी सी तेज कर लेती हूँ। मिर्चें तेज करें, हाँ फिर खा लो। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा जी, आज ठंड है बहुत ज़्यादा, सूरज अभी तक नहीं निकला और मैं अब कंबल से उठी हूँ, तो मैंने कहा तय लगाऊँ तो किचन में जाएं, कुछ करें खाने पीने का। तो अल्लाह खैर करे, संडे आज मशीन भी लगानी है तो चलें। कल भी सारा दिन सफाई नहीं करती रही मैं, अलमारियां नीट की हैं, ये शालें निकाली हैं, यासिन की शाल, अपनी शालें निकाली हैं, इस्त्री करके ये देखें अलमारी में इनको सेट करके रखती हूँ मैं। ये सारे सॉक्स सेट करके रखे हैं, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ बाहर निकाल के। ये देखें जी, सारी अलमारी नीट की है, वेस्टकोटें सारी मैंने एक एक हैंगर में दो दो तीन तीन कर दी हैं, ये देखें ठीक है। ये सॉक्स मैं दिखाती हूँ, ये देखें मैं आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें सारे नीट करके कुछ आज धुलेंगे, देखें ये मैं करके दिखाऊंगी आपको, बल्कि करके दिखा ही देती हूँ एक दो। बहुत सारे सॉक्स अभी धोने वाले भी हैं। चले जी, ये देखें मैंने कहा मैं आपको दिखा ही दूँ, ये देखें ये इसको ऐसे किया और ये जो एक ये देखें ये जो बचा है इसको ऐसे पकड़ के तो इसको इसके अंदर की तरफ कर दिया, ये देखें ये देखें ये पॉकेट सी बन गई है, ये देखें देखिए आराम से उठाया तो ले ले। चले ये थोड़ी सी मेहनत से देखे कितना काम आसान हो जाता है, तो इसको रखते हैं अलमारी में। ये कल सारा दिन यही कुछ किया है, ये हमारे गले पड़े हुए हैं। सेविंग करनी चाहिए, सेविंग की आदत होनी चाहिए, जब आदत होगी तो सेविंग खुद ब खुद हो जाएगी। चले जी, बॉक्स खाली हुआ पड़ा था तो ये मैं रात को लेके आई थी बिस्किट, मैंने कहा ये बॉक्स में डाल दें। मम्मा जी क्या कर रही हैं? इसको आपको पता चल गया? यस, मैं टीवी देख रहा था। फिर आवाज़ आ गई थी मेरी? यस। मैंने कहा अब्दुल वासे को ना ही पता चले तो बेहतर है, देखा ना, इसीलिए मैं नहीं आवाज़ दे रही थी आपको। हर चीज़ को तरीके से रखने से अपना ही फायदा है, तो मैंने कहा बॉक्स में रख लो, इसको मैं आवाज़ नहीं दे रही थी। तो ये मेरा बच्चा जो है ना, ये कहता है मुझे रोटी ना मिले बस बिस्किट मिल जाए मुझे। चले जी देखें, जो कुछ थोड़े से बचे थे इसमें डाल लिए, चले जी मैं ऊपर जा रही हूँ। तो मैंने कहा चले मैं अपनी भी चाय ऊपर ले जाती हूँ और राबिया को भी अंडा उबाल के दूँ, क्योंकि पिछले दिन उसकी तबीयत ख़राब थी। चले मैं ऊपर जा रही हूँ। मम्मा जी इसके बाद ना मैंने खेलना चाय पी के। अच्छा चाय पियो पहले अपनी, ये देखिए मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ, ऊपर जाके दिखाती हूँ। चलो जी यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू, देखें इतना अच्छा आज लग रहा है मौसम, ठंडी हवा चल रही है। चले मैं अब तीसरे पोर्शन पे जा रही हूँ। हफ्ते में एक या दो दफ़ा मैं ऊपर आना होता, मैंने चाय ले ला। हाय अल्लाह, माली अंकल ने कितने रखे हुए पौधे, माली अंकल गंद ही पाते रहने, टेबल के उत्ते पौधे सजाए हुए हैं।
ये देखे जी, मैं ऊपर का आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह राबिया छादे चादर। अच्छा जी, मैं गई हुई थी बाज़ार अब्दुल वासे की, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। सर्दी आ गई थी तो इसकी माशाल्लाह से जो पिछले सीज़न की शर्टें थी वो मैंने निकाल ली हैं, तो वो माशाल्लाह से इसको छोटी हो गई हैं। तो इसको जैसे लगी हुई थी ठंड, तो मैंने कहा इसकी कुछ लेके आऊँ, शर्टें लेके आऊँ, शूज़ लेके आऊँ, शूज़ भी निकाले। इसके पिछली दफ़ा के दो पड़े हुए थे, कुछ ख़राब थे, कुछ छोटे हो गए थे, तो कुछ मैंने अपनी लेनी थी चीज़ें, लेसे वगैरह। ये ब्रीज़े पे भी सेल लगी हुई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं लेके आई हूँ, अपनी बहनों से शेयर करती हूँ मैं। सबसे पहले अब्दुल वासे का दिखाती हूँ। मुझे इसकी बहुत टेंशन थी कि मेरे बच्चे के कपड़े छोटे हो गया माशाल्लाह से, तो लेके आई हूँ इसका ट्रैक सूट। ये देखे बाहर कौन आया है? नहीं, हमारा नहीं है। ये देखें, एक इसकी ये स्वेट शर्ट ली है, ऐसे करके पसंद है आपको जी। एक इसके लिए मैंने ये हुडी, ये ब्लैक पैंट के साथ है ना, नीचे से आप पहन के तो अच्छी लगेगी जी। और कसम ना, ये जुत्ती लेने की तो कोई मुसीबत तो कट नहीं। ये देखिए, इसके मैंने कैजुअल से शूज़ लेने थे, तो अब इसका जो पाँव का साइज़ है ना माशाल्लाह से, ना वो बच्चों में आता है ना वो बड़ों में आता है, तो बड़ी मुसीबत होती है इसका जूता लेना, बहुत मुसीबत। तकरीबन 2-2.5 घंटे फिर हुई और थक गई हूँ मैं फिर से। तो ये मैंने स्पायर से लिया हुआ था। अच्छा, ये मैंने ना ये मैंने स्पायर से सूट लिया था, 2 पीस। इसके दुपट्टे लैसे ये वो करने के लिए, ये मेरे पास यही बचा हुआ है, बकाया सारे दिए हुए हैं बाज़ार में। ये भी निशा से शर्ट ली थी मैंने, ठीक है। ये इसकी डिज़ाइनिंग के लिए लेके आई हूँ, ये छोटे छोटे मेरी, ये खाड़ी का पिछले सीज़न का जो टेलर ने इसका ट्रोज़र जो बहुत छोटा 2-3 इंच छोटा रखा, कि मैंने इसकी ये लैसे लेके आई हूँ कि मैं सेंटर लैस दे के खुद करूँगी, मैं ऐसे काम खुद करती हूँ। ये देखे, उसकी लेंथ पूरी करनी है। फिर ब्रीज़े पे सेल लगी हुई थी, ब्रीज़े से सूट लेके आई हूँ एक, तो मैंने कहा मैं अपनी बहनों से शेयर करूँ, ठीक है। और ये एक दुपट्टे को पिको करवानी थी बस, ये छोटे छोटे ये इसकी लेस है। ये देखें कितना खूबसूरत कलर है, ये एक दुपट्टे को पिको करवानी थी। ये अब्दुल वासे की मुझे बहुत टेंशन थी, तो ये जो स्पाइक का दिखाया है, ये तकरीबन एक ट्रोज़र ही मेरे पास पड़ा हुआ है, तो दुपट्टे के लिए लैसे डाई करवाने के लिए मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो बस आज की ये मेरी थोड़ी सी शॉपिंग है, मैंने कहा मैंने अपनी बहनों से शेयर करूं। तो लेते हैं आपसे इजाज़त, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ मच याद रखो, अल्लाह हाफिज़।